this is Perni. Welcome to my channel. I hope you all are doing well and you are practicing your exam, है ना? Okay guys, so last video में हमने discuss किया था how to write an effective introduction, एक essay जो based था stress के ऊपर. I hope आप लोगों ने वो watch की है and आपको समझ आया है जो भी आपके doubts थे, जो भी आपकी queries थी, ठीक है? Now, second part is how to write effective paragraphs, how to write an effective BP1 and BP2 body paragraphs, clear? तो लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था, फर्स्टली हम क्या करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, जिसमें हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग का फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था, दैट वाज टू अंडरलाइन द कीवर्ड्स एंड टू राइट डाउन द वोकैबुलरी वर्ड्स और द सिनोनिम्स. नाउ सेकंड पार्ट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग का जो सेकंड पार्ट है, दैट इज आपको निकालना उसमें से मेन आइडियाज के क्वेश्चन में पूछा क्या है. फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट आर द फैक्टर्स, है ना, यही क्वेश्चन था ना, उसके रीजंस क्या है जो स्ट्रेस को इंक्रीज कर रहे हैं एंड उसके सॉल्यूशंस हमें प्रोवाइड आउट करने हैं, उसके वे आउट करने हैं. नाउ सेकंड पार्ट, अब आपको ये तो पता चल गया रीजन एंड सॉल्यूशंस लिखने हैं इसमें, तो सेकंड पार्ट जो ब्रेनस्टॉर्मिंग का है उसमें आपको रीजन एंड सॉल्यूशंस को, जो मेन आइडियाज हैं आपके, उनको आपको क्लियरली पहले ही लिख लेना है. सपोज रीजन में आप क्या लिखने वाले हो, पर्सनल, इंट्रोडक्शन में है हमने देखा था प्रोफेशनल, है ना, एंड वैसे ही आप दो चीजें सोल्यूशन में लिखने वाले हो, जो हमने क्या किया था, एक्सरसाइज एंड योगा, यही था ना, ठीक है. अब आपको क्या करना है, आपको बनाना है फ्लो चार्ट, ठीक है, फटाफट से वहां पे आप सारे सेंटेंस तो लिख नहीं पाओगे, आपको बनाना है फ्लो चार्ट. एंड गाइस वहां पे आपको ध्यान रखना है कि अगर ब्रेनस्टॉर्मिंग में आपको 5 मिनट्स का टाइम भी लग रहा है तो आई डेफिनेटली सजेस्ट कि आप उसको स्पेंड कीजिए, बिकॉज वो टाइम आपका वेस्ट नहीं होने वाला है, वो आपका एक क्वालिटी टाइम, प्रेशियस टाइम है, जो आपको बहुत हेल्प करेगा, असिस्ट करेगा एक फुल फ्लेज ऐसे लिखने में विद इन टाइम, क्लियर? ओके, अब जैसे मैंने क्या किया, ब्रेन स्ट्रॉन्ग करना है मुझे बीपी वन में, मैं क्या करूंगी, ऑब्वियसली ये वाला पार्ट एक्सप्लेन करूंगी, है ना, रीजन करूंगी. तो रीजन मैंने दो कौन से चूज किए, एक पर्सनल चूज किया, एक प्रोफेशनल चूज किया, है ना. पर्सनल के अब मैं फ्लो चार्ट बना दूंगी, प्रोफेशनल का बना दूंगी, और जब जैसे ये फ्लो चार्ट बन जाएगा, मीन्स ये फ्लो चार्ट फिर से आपको बनाना है एक कहानी, ठीक है. इसमें हमारा मेन आइडिया होना चाहिए, हमारा सपोर्टिंग आइडिया होना चाहिए, और हमारी एग्जाम्पल होनी चाहिए, एंड एंड में उसका कंक्लूजन भी होना चाहिए, ठीक है. ये चीजें कैसे करनी है वो भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज में बताया है ना, जो ऐसे की टिप्स एंड ट्रिक्स है. सो यस, और मैंने हर बात क्या बताया है कि अगर पहले वो चीजें क्लियर होगी तभी ये होगा, देन गो एंड वॉच दोज वीडियोस फर्स्ट एंड देन कम हियर, ओनली देन यू कैन अंडरस्टैंड द फैक्ट्स व्हिच आई एम एक्सप्लेनिंग हियर, क्लियर? ओके, सो पर्सनल रीजन है. अब इसकी कहानी कैसे बनाएंगे, पर्सनल तो हो गया, अब ये तो मेन आइडिया हो गया, लेकिन उसको सपोर्ट कैसे करें, है ना. सपोर्टिंग आइडिया इज योर लैक ऑफ टाइम. पर्सनल में, पर्सनल लाइफ में लोगों को स्ट्रेस क्यों हो रहा है, क्योंकि उनके पास बहुत टाइम कम है, है ना. लैक ऑफ टाइम है क्यों, बिकॉज बोथ पार्टनर्स वर्क, अगर कोई कपल है वो दोनों काम कर रहे हैं, या फिर अकेला बंदा भी सारा दिन काम कर रहा है ना, लोग काम कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि उनको क्वेस्ट है. इंट्रोडक्शन में मैंने क्या लिखा था, अर्ज, सिनोनिम यूज कर रही हूँ यहाँ भी, उनको क्वेस्ट है, इच्छा है, लालसा है, क्या करने की, अर्न मोर एंड मोर मनी. क्यों, वो क्या बन गए हैं, मटेरियलिस्टिक बन गए हैं, है ना, आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है. इसलिए हैंस नो टाइम फॉर वन सेल्फ फैमिली, उनके पास टाइम ही नहीं है, ना अपने लिए टाइम है, ना अपनी फैमिली के लिए टाइम है, ना बच्चों के लिए टाइम है, है ना. उसकी वजह से क्या हो रहा है, वो किसी के साथ उनके जो मन में चल रहा है वो शेयर तो करते नहीं है, लैक ऑफ शेयरिंग, है ना, नो शेयरिंग ऑफ इमोशंस, जिसकी वजह से वो लेस सोशल होते जा रहे हैं, एंड अल्टीमेटली दे आर बिकमिंग प्रोन टू ailments, they are becoming prone to psychological disorders, stress related disorders, कौन सी, anxiety, depression और पता नहीं क्या क्या, clear? तो बन गई ना एक कहानी, हमने main idea दिया, this was our main idea, chief idea जो था, then उसको support किया, then उसको elaborate किया, है ना, example दे सकते हो इसमें, end में क्या किया, conclusion दिया, hence they are becoming, thus, henceforth, thereupon, कनेक्टर सारे मैंने आपको बताए हुए हैं, बिकमिंग प्रोन टू एलियंस, क्लियर. तो ये तो था हमारा फर्स्ट. इस तरीके से अगर आप ऐसे लिखना सीख जाएंगे डेफिनेटली कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मॉड्यूल बहुत इजी लगने लगेगा आपको, बट डिमांड क्या करता है, ओनली योर प्रैक्टिस विद फोकस्ड माइंड, क्लियर.
ओके, सेकंड पॉइंट था हमारा प्रोफेशनल. हमने लिखा था पर्सनल एंड प्रोफेशनल की वजह से ये इंप्लीकेशंस आ रही हैं. अब प्रोफेशन पे कोई एम्प्लॉई है, उसको क्या है, वो क्या है, ओवरबर्डन रहते हैं आजकल, है ना, बहुत ज्यादा काम है उनके पास. ओवरबर्डन मींस एक तो बर्डन होता है ओवर, जितना चाहिए अननेसेसरली, उनके पास बहुत ज्यादा काम है विद वर्क, वर्कलोड बहुत ज्यादा है ऑफिसेस में. क्यों? क्योंकि आजकल कंपटीशन का एरा है. अगर उनको अपना एक क्या बनाना है, अपनी एक मींस अपना अपने आप को साबित करना है, एक फुट होल्ड बनाना है किसमें, सोसाइटी में, है ना, तो उसके लिए उनको काम तो करना पड़ेगा. कंपटीशन है, क्यों? बिकॉज उनको फुट होल्ड, गेट अ फुट होल्ड, टू गेट अ फुट होल्ड, है ना, उनको फुट होल्ड मीन्स अपने आप को साबित करना है, अपना एक नेम एंड फेम डेवलप करना है, उसके लिए उनको ज्यादा काम करना पड़ रहा है. अगर ज्यादा काम करेंगे तभी ओनली देन दे कैन गेट प्रमोशंस, है ना, तभी उनको प्रमोशन मिलेगा. उसकी वजह से क्या है, फिर अल्टीमेटली उनके पास कोई टाइम नहीं है किस चीज के लिए, देखने के लिए, अपने आप को देखने के लिए, एंड हेंस प्रोन टू एलमेंट्स. यहाँ पे एक बार प्रोन टू एलमेंट्स लिख दिया, एक बार क्या लिख सकते हो, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया, आपको रेपिटेशन नहीं करनी वहां पे, क्लियर. तो बीपी टू में मैंने क्या समझाया है आपको, कैसे लिखेंगे हम टिप्स एंड ट्रिक्स में बीपी टू में, या तो हिडन एग्जाम्पल दो या ना दो, ठीक है. फर्स्ट मैंने अपना मेन आइडिया बताया, देन सपोर्टिंग आइडिया, ओवरबर्डन बताया, देन उसको इलैबोरेट किया, एंड में उसको कंक्लूड कर दिया, क्लियर. सो दिस इज द एग्जैक्ट वे हाउ टू राइट एन इफेक्टिव बॉडी पैराग्राफ वन. अब हमारा बीपी वन कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने टू रीजंस बता दिए. वन थिंग मोर इंपॉर्टेंट थिंग हियर टू नोट इज, आपको टू रीजंस देना सफिशियंट है. अगर आप एक रीजन देंगे इंप्रेसिव नहीं होगा, टास्क अचीवमेंट के मार्क्स नहीं आएंगे, ठीक है. लेकिन अगर आप थ्री रीजन देंगे वो इक्वली गुड है, बट उसमें फिर क्या होगा, फिर इलैबोरेशन नहीं होगी, वर्ड लेंथ पहले ही इंक्रीज हो जाएगी, है ना, टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा वहां पे प्रॉपर. टू पॉइंट्स आर सफिशियंट, टू पॉइंट्स रखिए, टू पॉइंट्स के ऊपर ही वर्क कीजिए, उनको अच्छे से कैसे इलैबोरेट करना है उस चीज के ऊपर प्रैक्टिस कीजिए, क्लियर. नाउ हम देखते हैं सॉल्यूशंस के पॉइंट्स कौन से. नाउ दीज आर द सॉल्यूशंस. तो बीपी टू में, बीपी वन में हमने रीजन एक्सप्लेन किया, बीपी टू में हम क्या एक्सप्लेन करेंगे, सॉल्यूशन. वैसे ही हम कोई भी टू सॉल्यूशन चूज करेंगे. मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, या तो आप एक्सरसाइज, है ना, हमने इंट्रोडक्शन में लिखा था, एंड योगा, उनको अलग अलग लिख सकते हो. सॉरी एब्रीवेशन नहीं लिखनी, दीज आर नॉट अलाउड, यू हैव टू टेक केयर एज वेल, है ना. सेकंड में मैंने क्या किया था, बैलेंस डाइट, इनको भी अलग अलग एक्सप्लेन कर सकते हो और कंबाइन भी एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है. तो सॉल्यूशन जब मैं लिखूंगी स्टार्टिंग में, है ना, एक तो आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप हियर इज, नेवर गिव एन एग्जांपल इन सॉल्यूशन, ठीक है. अगर उन्होंने वहां पे लिखा भी है गिव रेलेवेंट एग्जांपल्स फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंस, तो जो रीजंस हैं, जो इफेक्ट्स हैं, कॉजेस हैं, उसमें आप क्या करो, एग्जांपल एक्सप्लेन करो, बट नेवर गिव एग्जांपल इन सॉल्यूशन, बहुत मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे, क्लियर. ओके, सो बाय कीपिंग दीज पॉइंट्स इन माइंड, तो हम क्या करेंगे, अब सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे. ओके, फर्स्ट सॉल्यूशन अगर मैं डिस्कस कर रही हूँ, मेन पॉइंट, मेन आइडिया क्या है, एक्सरसाइज एंड योगा, ठीक है. तो मैंने ये सॉल्यूशन दिया कि अगर एम्प्लॉइज या कोई भी पर्सन, इंडिविजुअल्स एक्सरसाइज और योगा करते हैं, डू रेगुलरली, ऑन रेगुलर बेसिस करते हैं, रेगुलर लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, रेगुलरली करेंगे, है ना, तभी चीजें काम आएंगी. ये तो नहीं आज कर लिया, फिर चार दिन बाद कर लिया, फिर दो दिन बाद कर लिया, ठीक है. और जिससे क्या कर सकते हैं, वो मेडिटेशन कर सकते हैं. मेडिटेशन करने से क्या होगा, इम्प्रोवाइज होगी, इम्प्रूव होगी उनकी हेल्थ, एंड उसका रिलीज स्ट्रेस होगा, जिससे वो क्या होंगे, इट विल सूथ्स देयर माइंड एंड सोल, हेल्प इन सूदनिंग एंड बॉडी एंड माइंड, है ना, जिससे क्या होगा, स्ट्रेस रिलीव होगा. अच्छा सॉल्यूशन है. सेकेंड इज बैलेंस डाइट. स्ट्रेस भी तो किससे दूर होता है, बैलेंस डाइट से. एवरी वन, एवरी इंडिविजुअल, इसके ऊपर तो हम क्या बना चुके हैं, एक अपना क्यू कार्ड भी बना चुके हैं, याद है ना आपको, जिन्होंने वो वीडियो देखी है जिसमें क्या था, आर्टिकल था ऑन स्ट्रेस रिलेटेड टू हेल्थ, है ना, आपने कोई आर्टिकल पढ़ा जो क्या था, रिलेटेड टू हेल्थ, उसमें यही तो दिया था हमने पॉइंट, है ना. देखा चीजें कैसे कोरिलेट हो रही है. अब इसमें से अगर कोई क्यू कार्ड आ जाए, आप कैसे बना दोगे, क्योंकि आपने लिखा हुआ है, ये चीजें आपके माइंड में है ऑलरेडी, ठीक है. इसलिए मैं कहती हूँ हमेशा फोकस के साथ पढ़ो. ओके, तो बैलेंस डाइट लेनी चाहिए उनको, प्रॉपर बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, इन विच देयर शुड बी राइट प्रपोर्शन होना चाहिए, किसका, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, विटामिंस का, है ना, जिससे वो उनको क्या हेल्प करेगा, जिससे उनको हेल्प मिलेगी, असिस्टेंस मिलेगी, एड करेगा वो किसमें, टू बी मोर फिजिकली एंड मेंटली फिट. फिजिकली भी फिट होंगे, मेंटली भी फिट होंगे, है ना. इससे इट विल रिड्यूस देयर स्ट्रेस लेवल, स्ट्रेस उनका कम होगा, एंड दस
दे बिकम वेल फोकस्ड, वो वेल फोकस बनेंगे ऑब्वियसली, तो क्या होगा उनका स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, एलमेंट्स, कॉम्प्लिकेशंस, इम्प्लीकेशंस कुछ भी लिख सकते हो, कम होगा। क्लियर? सो आई होप आपको क्लियर होगा ड्यूरिंग द ब्रेनस्टॉर्मिंग आपको करना क्या है, आपको ऐसे तरीके से क्या बनाने हैं, फटाफट से फ्लो चार्ट बनाने हैं। जब ये चीज पहले ही बन गई तो क्या मुझे टाइम लगेगा लाइंस लिखने में, क्या मुझे जब मैंने कीवर्ड्स को कैप पहले ही लिख ली तो मुझे क्या टाइम लगेगा सोचने में व्हेन राइटिंग माय एसे? नहीं, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। आप ये ऐसे अगर पहले 5-6 मिनट्स में इसको ब्रेनस्टॉर्म कर लोगे ना अच्छे से, देन आई कैन बेट आपको 15 मिनट्स में आप इसको अच्छे से लिख दोगे एंड अच्छी वर्डिंग के साथ लिख के आओगे आप वहां पे। क्लियर? ये नहीं 250 लिख के आओगे, है ना, तो आप 400 तक भी जा सकते हो। एंड फॉर जीटी स्टूडेंट्स इट्स मस्ट। क्लियर? सो आई होप ब्रेनस्टॉर्मिंग आपको BP1 BP2 कैसे निकालना है, कैसे मेन आइडिया देना है, कैसे सपोर्टिंग आइडिया देना है क्लियर हो चुका है। एंड यस गाइस, इफ यू आर रेडी फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स कि ऐसे को कैसे लिखना है ना, कैसे इन चीजों को सीखना है, देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल जिसमें हम मोर एंड मोर वीडियोस बनाएंगे, सो दैट मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि आप लोग मेरे चैनल को आपको पसंद आ रहा है, आपको नॉलेज इम्पार्ट हो रही है ना, इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो मैं भी ऐसी और वीडियोज बनाऊं। क्लियर? सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियोज जो आपको पसंद आती हैं, एंड कीप प्रैक्टिसिंग। सो फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।